हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांटा एंजल। आप सबको स्वागत करती हूँ दिल से मेरा चैनल शांटा एंजल पे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ विशाखापट्टनम के एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, जिसको सब कहते हैं TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम भाईजैक रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आर के बीच के ठीक ऑपोजिट में मात्र 2 मिनट के पैदल चलने से ही ये आपको मिल जाएगा। एक बिल्कुल ऑपोजिट में ये स्थित है। तो यहाँ एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए 70 रुपये प्राइस है और बच्चों के लिए 40 रुपये। और यहाँ का टाइमिंग है सोमवार से शनिवार 2 बजे से 8:30 बजे तक शाम तक खुला रहता है और संडे को सुबह 10 बजे से 8:30 तक खुला रहता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आइए और इसका आनंद लीजिए। इसके अंदर बहुत ऐसा चीज़ है कि फाइटर प्लेन में क्या क्या चीज़ होते रहते हैं, क्या क्या आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़िएगा अंदर जो जो चीज़ें हैं। ट्रेनिंग जोन है, यहाँ मशीन है, पायलट का स्टेशन कैसा होता है, पायलट स्टेशन, पायलट क्या क्या चीज़ करते रहते हैं, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ आके सीख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। बाहर का नज़रिया बहुत ही खूबसूरत है, अंदर भी बहुत खूबसूरत है। ये अंदर का म्यूज़ियम के अंदर के तरफ का व्यू है, ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। अभी जब इससे हम लोग बाहर एंट्री करने वाले हैं तो उसका अलग व्यू आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है, एक प्लेन है, प्लेन रखा हुआ है, प्लेन के अंदर हम लोग जाएंगे। तो पहले अंदर का चीज़ आप लोग देख लीजिए। वैराइटीज़ मशीन यहाँ पे रहते हैं, मशीन का फंक्शन क्या है सब कुछ लिखा हुआ है। आपको जानकारी के लिए आप यहाँ आइए, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये सब चीज़ फाइटर प्लेन में इस्तेमाल होते थे उस पुराने ज़माने में, आज भी होते हैं लेकिन नया टेक्नोलॉजी के साथ। तो उस समय कैसे काम होता था, कैसे काम किया जाता था, यही सब चीज़ सीखने के लिए आपको यहाँ बिल्कुल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए होलोग्राफी, एक प्लेन का होलोग्राफी कैसा होता है ये आपको दिखाया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से, कि कहाँ कौन सा क्या रहता है, कितना मीटर पे रहते हैं। तो इससे ये देख के आपको आइडिया लग जाएगा। गौर से देखिएगा कहाँ क्या क्या चीज़ है, वो इंडिकेट कर रहा है इधर एरो देखे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहेंगे और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। शांटा एंजल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम आगे और इस तरह का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो ये देखिए बाकी और भी पार्ट्स है, कुछ मिसाइल्स वगैरह है, ये सब बस म्यूज़ियम में जैसे रखते हैं वैसे ही रखा गया है। ये बस दिखाया गया, एक नमूना प्रदर्शन किया आप लोगों के सामने कि कैसे
क्या क्या चीज़ होते रहते थे उस ज़माने में, कैसे काम होता है, वैसे ही दिखाया गया। कुछ मेडल्स है हमारे पूर्वज जो ये सब, मतलब ये सब में युक्त था, सब मेडल हमारे देश के लिए है, जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध माना जाते उसको, उनको मिला है। बहुत तरह के तस्वीरें हैं पुराने ज़माने का। ये देखिए, हम लोग अंदर से बाहर आ गए, बाहर मतलब म्यूजियम के बाहर नहीं, उसके सराउंडिंग्स या प्रेमिसेस में एक प्लेन रखा है। अब हम लोग प्लेन में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, हम लोग इतने टाइम अंदर थे, अभी जस्ट बाहर आके प्लेन में एंट्री हो रहा है हमारा। तो प्लेन के अंदर क्या क्या चीज़ें है, अभी तो अंदर का चीज़ आप लोगों को दिखाई दिया अभी तक का, अभी आप लोग देखेंगे प्लेन के अंदर क्या क्या चीज़ें है। कुछ कुछ शॉट हम लोग खींचे हैं, वीडियो किए हैं, तो उसको हम लोग दिखाने वाले हैं। आप गौर से देखिएगा, ये है प्लेन का एंट्रेंस, ऐसे ही अभी होते हैं। जो लोग प्लेन में नहीं चढ़े उसको नहीं पता होगा, लेकिन ये वीडियो देख के कम से कम पता लग जाएगा कि कैसे होते हैं। ऐसा ही है कि चलो प्लेन में एंट्रेंस है, प्लेन में एंटर हम लोग कर लिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है देखने को, वो सब चीज़ देख पाइएगा। चलिए गौर से देखिएगा, अभी एंट्री होगा। ये देखिए, तो उस ज़माने में प्लेन कैसा था, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत में उसमें अंतर है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन है। नॉर्मल प्लेन में यही सब चीज़ रहते, लेकिन प्रोटेक्ट रहता है। देखिए कहाँ पायलट बैठता है, कहाँ किसका सीट है, क्या है, कंट्रोल करता है कैसे, सब कुछ यहाँ एक नमूना के तौर पे दिखाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं, गौर से देखिएगा। अभी हम लोग प्लेन से बाहर आ गए, नीचे आ गए कुछ फोटो सेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत फोटो खिंचाने के बाद हम लोग इससे एग्जिट पॉइंट से बाहर चले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जगह, आप लोग आइए, आपको जानकारी के लिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप लोग आइए और यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाइएगा, मन भी खुश रहेगा, सीख भी पाइएगा। आज का ब्लॉग आप सबको कैसे लगा? शायद अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मुझे फॉलो करते रहिए। फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय एवरीवन।